बस और अब चल रहे हैं घर यार। ये हरकत देख के ना मेरा किलसन हो जाती है। अटेंडेंस मिलनी चाहिए इस काम की तो सही में। हेलो गाइज, नमस्ते सबको, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज कुछ करिश्मा हो चुका है, मैं जल्दी तैयार हो चुका हूँ कॉलेज के लिए एंड अब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो आज मैंने घर से ही व्लॉग स्टार्ट करा है, देखो क्योंकि जल्दी तैयार हो गया ना मैं। एंड तेजी, आपको विश्वास हो रहा है कि मैं जल्दी तैयार हो गया? बोलना चाहूँगा, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं जब तक टाइम नहीं होता, क्योंकि जल्दी निकल के अभी कुछ फ़ायदा नहीं है ना, जल्दी कॉलेज पहुँच के क्या ही कर लेंगे जब क्लास ही नहीं लग रही। तो आराम से बैठते हैं यहीं पर ही और फिर चलेंगे कॉलेज अपने टाइम पे। अच्छा भाई, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। जबरदस्त चिकन रोल तो वो ले जा रहा हूँ मैं, तो आओ चले जल्दी से। क्या इतना बुरा हूँ मैं, घर से जल्दी निकल के भी लेट हो जाता हूँ भाई। सुमित की वजह से सीधी सारी गलती तो सुमित की होती है, सुमित ही तो गलत आदमी है। अरे बढ़िया सर, आप बताओ। गए नहीं क्या अभी तक? अंदर है, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। नंबर लगाया है? अब तो कुछ नहीं देगा। अरे जाएंगे, देखना डिस्क्रिमिनेशन। अबे चल हम भी, डिस्क्रिमिनेशन। अबे चल हम भी लेट है भाई, वो देख भाग तो जा रहा है। हमारी बात तो अलग है, हम लोग तो रेगुलर लेट होने वाले हैं। हाँ। वो पारस भी लेट है, जल्दी चल इसी के साथ चल लेते हैं। डरते हैं, डरता है उससे बात बात नहीं करता, हम साथ बिठा देते तब भी कुछ नहीं। वैसे भी गाबा तो फेवरेट है सर का, घुस नहीं देंगे, माना थोड़ी मना थोड़ी ना करेंगे। और हम ले निकल हाँ, सही कह रहा है, निकल जाए। क्यों आया क्लास में? You don't understand timing is timing. Which bunch all on time? चलो हम चले क्लास में। प्रेजेंट सर, एक के बाद लेट जा रहे हैं भाई क्लास में और सर नहीं आए, कितनी खुशी हो रही है। तो गाइस क्लासेस खत्म हो गई है, अब थोड़ा कॉलेज के ही काम से मुझे जाना है। तो अभी हमें जाना है भाई कॉलेज के काम से, हम तीनों को, क्योंकि अच्छा काम करने जा रहे हैं आज। तुझे भी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि तू आर्ट की बोरी, तुझे डोनेशन करनी पड़ेगी तेरी तो वहां पे, क्योंकि हम कॉलेज के लिए आर्ट ले है ना, इसलिए हमें भेज रहे हैं कॉलेज वाले। मुझे पता है। ओ भाई, तो गाइज ये है सामान जो हमें मिला है कॉलेज से, ये हमने ना थोड़े दिनों पहले सारे स्टूडेंट्स ने डोनेट करा था, तो अब वही सामान हम जा रहे हैं एनजीओ पे देने कॉलेज की तरफ से। तो अब फ़ोटो वोटो खिंचवानी पड़ेगी, जो करना पड़ेगा, इसलिए भाई तैयार हो रहा है इतना। प्रिंसिपल सर और बाकी फैकल्टी मेम्बर्स है ना, बहुत ही जिम्मेदारी का काम दे रहे हैं आज हमें, कर ही आएंगे वैसे तो, क्या ही है, सामान ही तो पटक कर आना है, ये तो रोज़ का है। इन्हें भी तो ऑस्कार पटक देता हूँ मैं। मेरा सामान अभी और आ रहा है कॉलेज के, देखो एकदम सामने खड़ी करवा ली आज गाड़ी। आ तेरी टोरा ही अलग है, आज तो हर्ष खुश हो गया, मैगजीन के लिए फोटो, तेरी तो हुआ नहीं। मैं भी खुश हूँ। तो गाइस निकल चुके हैं मैं, सुमित और हर्ष। प्लान तो त्यागी का भी आने का था, उसका बैग नहीं मिला उसकी क्लास से, तो फिर वो उसको रुकना पड़ा। तो अब एनजीओ की तरफ जा रहे हैं एंड फिर सामान देकर वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, फॉर्मेलिटीज़ करनी है, फ़ोटो खींचनी है और बस आ जाना है और फिर अपने अपने घर। और गाइस हम अच्छा काम भी करते हैं, हम सिर्फ चाय नहीं पीते कॉलेज में। पहली बार कर रहा है ना, इसलिए ऐसा दिखा रहा है ना सुमित? ओ हर बार करते हो अच्छा काम, तो मैं पर दिखाता नहीं हूँ क्या? तो जैसे, दिखा रहे हैं। जैसे क्लास में लेट है ना, कट 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 कट। तो भाई जगह पे तो आ गए हैं अब, फिलहाल तो ढूंढ रहे हैं भाई, 5 बजे से पहले मिल जाए तो बहुत ही भगवान का वो होगा, क्या होगा वरना, ये कपड़े तुमको घर लेके जाने पड़ेंगे, वरना मुझे घर ले जाना पड़ेगा सामान और कल देना पड़ेगा। दिमाग खराब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं कपड़े लेके जा रहा तो मेरा ब्लेजर भी ले जाइए।
गाली देना चाहेगा ना इसे? हाँ बिल्कुल। तो गाइस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं सिर्फ 13-14 मिनट पहले, तो अब जल्दी से सामान पटकते हैं यहाँ पे और चलते हैं घर। तो गाइस डोनेट हमने कर दिया है एंड भाई बोलना नहीं चाहिए हमें, कॉलेज की तरफ से हम आए हैं ठीक है, हमें एज अ प्रूफ एक फ़ोटो चाहिए ठीक है कि हमने डोनेट कर दिया है। भाई लिटरली एक फ़ोटो में क्या जाता है ठीक है, तुम अमिताभ बच्चन तो हो नहीं, हमें मना कर रहे हैं बताइए हर्ष और क्या। तो अरे यहाँ एड्रेस पे चले जाओ, इस पे फोटो लेंगे, हद होगी इसके लिए, अब 2 किलोमीटर और आगे जाएं पेट्रोल खर्च कर। यार मतलब क्या अलग ही यार, चलो वो सब छोड़ो, हमने फोटोज तो चुपचाप ले लिया, रिसिप्ट भी हमें मिल गई है, तो अब सुमित और भी फोटोज लेने गया चुपचाप, जो उससे हो नहीं पाएगा बस। और अब चल रहे हैं घर यार, ये हरकत देख के ना मेरा किल्सन हो जाती है, अटेंडेंस मिलनी चाहिए इस काम की तो सही में। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं भाई, बहुत ही गर्मी सहन करने के बाद तो अब खाते हैं कुछ, भूख लग रही है बहुत तेज़, और मैंने लक्ष्य से चिली पटैटो मंगवा लिए थे बाहर से, तो ये रहे मेरे चिली पटैटो एंड अब खाता हूँ चिली पटैटो, फिर उसके बाद जिम करूँगा एंड या उसके बाद, अभी तक तो आगे कुछ प्लान नहीं है तो देखते हैं। इसका बाबू है डेजी, इसका बाबू है डेजी का, डेजी का बाबू है, उसमें नहीं आ रहा, उसमें नहीं आ रहा, उसमें नहीं आ रहा, इसमें ही है, ये रहा वहाँ ना चलने वाला, वहाँ नहीं चलने वाला। ओह हो, अभी इनके मसाज करो डेजी, देख भाई क्या कह रहा है गौतम, क्या कह रहा है गौतम, क्या कह रहा है, कल कॉलेज चलेगी मेरे साथ हैं, पूरा कॉलेज खाली तेरी छुट्टी। अब चलते हैं जिम करने, बट जिम से पहले मम्मी को एक बात बता देते हैं, अभी मैं आऊंगा जिम से तो मेरे दूध में अंडे डाल के दे देना जरा, अंडे खाता मैं। अबे यार क्या यार मम्मी, सुबह ही तो खत्म हुआ, मैंने खाया ये क्या, मैं खाती भी अंडे, अब पता चला क्यों नहीं बनती मेरी बॉडी, इसलिए नहीं बनती। तो तुझे अपने आप होश नहीं होता कि तेरे को क्या चीज खाने तो तू लाके रखे, मुझे लगा है घर पे तो नहीं खाया ना एटलीस्ट, तो भाई काम है, अब सब नहीं बोला था मुझे कि होटल मैनेजमेंट कर लो भाई, ये बोला था जब मेरा ना ये मन था कि मैं कॉलेज एक साल स्किप करूं और ब्लॉगिंग ट्राई करूं, तो मम्मी ने, आज भी मुझे याद है वो बात एग्जैक्ट शब्द, क्योंकि अभी थोड़े महीनों पहले की बात है और वैसे भी वो याद रखने वाली बात है, मुझे शायद 5 साल बाद भी याद रहे कि उन्होंने कहा था कि कल को हम क्या बताएंगे सबको कि लड़का क्या करता है, जी व्लॉगर है, और ये बात ना मेरे दिमाग में तब से है, और तब से मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रखी है कॉलेज के साथ साथ, वरना तो मैं शायद छोड़ भी देता, बट वो सेंटेंस ने ना एक मुझे हर्ट सा कर दिया था। तो अब करते हैं जिम, चलते हैं नीचे, निकालते हैं आज की भसड़ सारी, तो आओ चले। तो गाइस जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए आप हेल्दी खाना ही खाओ, है ना, बिल्कुल भी जंक फूड ना खाओ। लक्ष्य ये पैकेट उठा पीछे से मैकडॉनल्ड का, उठा के ले जाओ उठा के,
हाँ तो गाइज एकदम ही हेल्दी खाना खाना चाहिए आपको। गाइज अब तो हो गई वर्कआउट की बातें, आज डिनर में हमने मंगवाया है मैकड्री। ये गाइज आई नो मैंने अभी अभी बोला था कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए, बट कभी कभार तो चलता है, क्यों लग से। तो गाइज यहाँ करते हैं आज का व्लॉग खत्म। डिनर कर लिया है आज, ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल दिन था आज कॉलेज का। तो गाइज यहाँ करते हैं आज का व्लॉग समाप्त। ये था आज का व्लॉग, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को कर देना फॉलो, लिंक होगा उसका डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे हर रोज की तरह कल। इट्स मी गौतम माद्रे, आपका व्लॉगर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।